हेलो दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है। भारत एक विशाल देश है जो विभिन्न प्रकार की भाषाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं से भरा हुआ है। भारतीय संस्कृति के साथ हमारा देश दुनिया की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और जिसके चलते हम जल्द ही दुनिया में एक सुपर पावर कहलाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं इंडिया के बारे में 30 ऐसी बातें जिसे सुनकर आप गर्व महसूस करेंगे। गंगा नदी के तट पर स्थित और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संसद में प्रतिनिधित्व किया गया बनारस का ये पवित्र शहर कम से कम 3000 साल पुराना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिवा ने वाराणसी की खोज की थी। महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में स्थित लोणार सरोवर का निर्माण आज से करीब 50,000 सालों पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने से हुआ था। ये दुनिया में उल्का पिंड द्वारा निर्मित तीसरा सबसे बड़ा लेक है और इसके आजू बाजू करीब 1200 साल पुराने हिंदू टेम्पल्स है। अगर आप भौगोलिक जगहों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस जगह को एक बार जरूर विजिट कीजिए। इंडिया में बहुत चीजों का और कंसेप्ट का निर्माण हुआ है। सांप सीढ़ी से लेकर चेस तक, बटन्स, शैम्पू, द नंबर पाई एंड जीरो, डायमंड माइनिंग्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के साथ साथ चांद पे पानी की खोज भी इंडिया ने की है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में एकमेव पानी पे तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस केवल इंडिया में है। श्रीनगर के दल लेक में बोट हाउस जैसे दिखने वाले इस पोस्ट ऑफिस का इनॉग्रेशन 2011 में किया गया था। पोस्ट ऑफिस के अलावा अब ये जम्मू का टूरिस्ट लोकेशन भी बन गया है। पोस्ट ऑफिस के कामकाज के साथ यहाँ पे स्टैम्प कलेक्शन वाला म्यूजियम भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली ये जगह मेघालय स्टेट में शिलोंग से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। माओ सिंड्रम में सालाना एवरेज रेनफॉल 11,872 मिलीमीटर है। सन 1985 में माओ सिंड्रम में लगभग 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी और इस जगह को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एज अ वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ का दर्जा दिया गया है। भारत के सबसे प्रिविलेज वोटर महंत भारत दास गुजरात के गिर फॉरेस्ट में बंच नामक एक छोटे से आवास में रहते हैं। हर बार चुनाव में इनके लिए एक अलग से मतदान केंद्र स्थापित किया जाता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये गांव हिंदू देवता शनि महाराज का स्थान है। यहाँ पे किसी भी घर या दुकानों पे दरवाजे नहीं होते। स्थानिक लोगों का मानना है कि भगवान शनि गांव का संरक्षण करते हैं और इसी भावना के साथ ये लोग खुले दरवाजों के साथ भी रात में चैन की नींद सो पाते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित मधुपति नामक इस छोटे से गाँव ने इंडिया को सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स दिए है। कुल मिला के 75 घरों में से 47 घर के लोग आईएएस ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग इसरो, बाबा एटॉमिक सेंटर और वर्ल्ड बैंक जैसे नामांकित ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। लद्दाख के मैग्नेटिक हिल्स के बारे में आपने सुना ही होगा, पर इंडिया में दो और ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मैग्नेटिक हिल्स पाई जाती है। एक है अमरेली गुजरात में तुलसी श्याम रोड और दूसरी जगह है ब्लैक हिल यानी काला डोंगर जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है। भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ के 30-40% लोग शुद्ध शाकाहारी है। क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है, पर क्रिकेट के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के छैल नामक जगह पर यह स्टेडियम सी लेवल से 2144 मीटर की हाइट पर स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सेकंड रैंक पे आने वाला भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोक संख्या के 12% लोग इंग्लिश बोलने में सरल है। सन 1963 में इसरो ने अपना पहला रॉकेट केरला के एक चर्च से लॉन्च किया था। इस रॉकेट का ट्रांसपोर्ट साइकिल पे किया गया था। दोस्तों, हम सभी दूध और दूध प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, तो ये बात जानकर हमें आश्चर्य होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और 2015 में भारत ने करीब 15.5 करोड़ टन का दूध उत्पादन किया था। कबड्डी खेल की शुरुआत भारत में ही हुई है और इंडियन नेशनल कबड्डी टीम ने अब तक हुए 5 कबड्डी वर्ल्ड कप्स की ट्रॉफी अपने देश लाई है। वुमेन कबड्डी टीम भी वर्ल्ड कप्स में काफी अच्छा प्रदर्शन करती है। कुंभ मेले के बारे में आप जानते ही होंगे। 2011 के कुंभ मेले में लगभग 7 करोड़ लोग आए थे और ये संख्या इतनी बड़ी थी कि इसे स्पेस से सैटेलाइट के थ्रू भी देखा गया था। दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले 10 शिखरों में से 9 हिमालय में मौजूद है। सबसे बड़े माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। भारत लगभग 14% लोग मुस्लिम कम्युनिटी से है।
इसी वजह से भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद होने वाला देश बन जाता है। जामा मस्जिद दिल्ली, मेका मस्जिद हैदराबाद का नाम तो आपने सुना ही होगा। 2019 के डेटा के अनुसार भारत में टोटल 59 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरे स्थान पर भारत ही आता है। दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला ब्रिज इंडिया में ही है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में स्थित छेना ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है। इसकी ऊंचाई लगभग 1180 फीट है और ये वर्ल्ड फेमस आईफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग में जितना स्टील वायर यूज किया गया है उतना पृथ्वी का घेराव है और हर स्टील वायर 900 टन का वेट संभाल सकती है। अगर इन सभी वायरों को संगठित किया जाए तो ये 50,000 अफ्रीकन हाथियों के जितना वेट होगा। वर्ल्ड ट्रैवल करना सबका सपना होता है, तो ये बात सुनकर आपको खुशी होगी कि सबसे कम समय में वर्ल्ड ट्रैवल करने वाला इंसान बेनी प्रसाद नामक एक भारतीय है। इन्होंने 6.5 सालों में 257 कंट्रीज को ट्रैवल करके ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंडियन रेलवे नेटवर्क 7,000 से ज़्यादा स्टेशन के साथ एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इंडिया में हर रोज 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लोक संख्या के बराबर है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में समाविष्ट किया गया अमृतसर का गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट विजिट होने वाली जगह है। यहाँ पे हर रोज कम से कम 1 लाख श्रद्धालु आते हैं। राजस्थान में स्थित करणी माता मंदिर हजारों चूहों का घर है। यहाँ आए तीर्थयात्री इन चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। इस जगह को भारत के सबसे अजीब आकर्षणों में से एक माना जाता है। मिजोरम के बक्तावंग गांव में अपने 100 कमरों वाले हवेली में रहते श्री जियोना छाना दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया है। इनके फैमिली में 181 सदस्य है। उनकी 39 पत्नियां, 94 बच्चे, 14 बहू और 33 पोते हैं। स्थानीय रूप में इस झील को रहस्य झील या कंकाल झील के रूप में माना जाता है। उत्तराखंड का रूपकुंड अपने तल पर और आसपास वाले क्षेत्रों में मानवीय कंकालों के मिलने की वजह से बदनाम है। अगर आप बाइक टूरिज्म में दिलचस्पी रखते हैं तो ये बात आपको जरूर पता होगी कि लद्दाख का खरदुंगला टॉप दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला रोड है, जहां तक आप आपकी कार या बाइक को ले जा सकते हो। अपने नाम के अनुसार चलने वाली द लाइफलाइन एक्सप्रेस या जीवन रेखा एक्सप्रेस दुनिया की सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। इस ट्रेन में सर्जरी से लेकर कैंसर ट्रीटमेंट तक के इलाज किए जाते हैं। मुख्य शहरों से दूर गांवों में मेडिकल की सुविधा पहुंचाने के लिए इसे 1979 से कार्यरत किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 26 मई 2006 में स्विट्जरलैंड को विजिट किया था। तब से वहां पे ये दिवस साइंस डे के नाम से मनाया जाता है। स्विट्जरलैंड के लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को फादर ऑफ इंडियन मिसाइल्स प्रोग्राम के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और चैनल के बारे में सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।